पवन सिंह के वजह से एक खाली ट्विटर पे ट्वीट करके डाल दिए, उससे ट्रेंड करने लगा काराकाट। तो देखिए विकास तो यहीं से शुरू हो गया। काराकाट को सत्र ही कि हमके भुला दी बतू, हमारा दिलवा पर नस्तर चला दी बतू, आ साथे जिए मरे के वादा कह के एक दिन अचके में बहिया छोड़ा ले बतू। ये उपेंद्र कुशवाहा गुलाब का चमेली बना देंगे पवन सिंह को जिता के, काराकाट में सिस्टम हिला देंगे। कोई बंगलिनिया गाना गइलस, सब कोई के ना सटल, इनकरे गाना सट गइल। नमस्कार दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह का नए नए जेवरा फैन बनते हुए नजर आ रहे भैया। पावर स्टार पवन सिंह का हर रोज भैया नया नया जेवरा फैन बनते हुए नजर आ रहा है। मगर भैया बात करेंगे काराकाट के बारे में, तो जब से पावर स्टार पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, काराकाट ट्रेंडिंग में आ गया। ये तो तय हो चुका है कि काराकाट ट्रेंडिंग में आ गया है। बड़े बड़े चैनल आज तक और एबीपी न्यूज, जी न्यूज, सब यहाँ पे काराकाट के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी पावर स्टार पवन सिंह वहां से लड़ रहे हैं और भारी मतों से विजय हो रहा है। जितना यहाँ पे बात करेंगे तो पावर स्टार पवन सिंह के रोड शो, स्टेज शो में पब्लिक पहुँचते हैं, उतना प्रधानमंत्री के रैली में भी पब्लिक नहीं पहुँच पाते हैं जितना पावर स्टार पवन सिंह के स्टेज शो में पहुँचते हैं। मगर पावर स्टार पवन सिंह वहाँ से भारी मतों से विजय हो रहा है, वो तो तय हो चुका है, क्योंकि पब्लिक में जो आकर्षित नज़र आ रहे हैं, जहाँ तक की बात करें ग्राउंड रिपोर्टिंग के, तो पब्लिक एक ही बात बोला, अब की बार पावर स्टार पवन सिंह को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को मैंने 10 साल देखा, कुछ भी नहीं किया, एक बार पावर स्टार पवन सिंह को मौका देना चाहिए। मगर आप लोग किनको मौका दीजिएगा इस साल काराकाट में 2024 में लोकसभा चुनाव में, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा नीचे जरूर का अपना राय लिखें।